वेलकम टू माय रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई सब्जी के कटलेट। जिसके ये देखिए, ये आलू मटर और गोभी की सब्जी है जो बच गई थी। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून पुदीना चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, ये चाट मसाला है, 1 टीस्पून ये मैंगो पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये चावल का आटा, 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। मैशर से मैश करेंगे अच्छे से इसे। ये देखिए, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे कटलेट बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने सारे कटलेट रेडी कर दिए। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। कटलेट को ब्रेड क्रम्स में रोल करूँगी और इसे फिर फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, तेल इतना लेंगे कि बस आधा कटलेट इसमें डूब जाए। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैंने इसे पलट दिया है। दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूंगी इसे मैं। ये देखिए, सब्जी के कटलेट रेडी है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।